पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों की भीड़ उमड़ी है। वहीं अब विपक्ष भी इन कर्मचारियों के समर्थन में उतर चुका है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। वहीं अब इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। लाखों की संख्या में मौजूद सरकारी कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। इसे लेकर हमारी नीति साफ है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा, ऐतिहासिक निजीकरण, एनपीएस जुड़ने वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार के नारों से दिल्ली का रामलीला मैदान गूंज रहा है। कर्मचारियों की ओपीएस की मांग का पूरा समर्थन है, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में लागू कर दिया है। केंद्र में सरकार बनते ही हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में लिखा, आज पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे कर्मचारी देश भर से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोई हुई सरकार कब जागेगी? कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लोगों की मांग सुनकर इसे लागू कर दिया। अड़के डालकर केंद्र सरकार की खोटी नीयत सामने है, क्यों जरूरी है ओपीएस? सुप्रिया श्रीनेत ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, पूरे देश से आए लाखों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। असंवेदनशील मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कितने टीवी चैनल इस अथाह जनसमूह को दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में ओपीएस लागू किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने मन से उनका अभिवादन किया और उन्हें पूरा समर्थन देने की बात भी कही। आप सांसद संजय सिंह के साथ मंच पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी दिखाई दिए। उन्होंने भी सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया। संजय सिंह ने कहा कि देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 40 दिन विधायक सांसद रहने वाले को पूरी जिंदगी पेंशन, तो 40 साल काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल का नारा है, जहां आपका शासन वहीं पुरानी पेंशन। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से पुरानी पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि एनपीए को खत्म करके ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हिमाचल विधानसभा चुनाव के वक्त भी ओपीएस की मांग जोर से उठी थी और उसका असर चुनाव पर भी देखने को मिला था। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को साथ लेकर विपक्ष 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा एजेंडा साध रहा है।